ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರಯ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರಯ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರಯ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರಯ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರಯ भगवान गणेश की पूजा की जा रही है और सभी लोग मनोकामना मांग रहे हैं, भगवान गणेश से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उन्हें भी बुद्धि दे, मंगल कामना करें और भगवान का आशीर्वाद, भगवान गणेश का आशीर्वाद उन्हें तो बना रहे। जिस तरह उन्हें मोदक प्यारा है, उसी तरह भगवान गणेश को अपना भक्त भी प्यारे हैं और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग होंगे जो भगवान गणेश का दर्शन कर रहे हैं। आज कितना खास दिन है और भगवान का दर्शन करने में, भगवान गणेश का दर्शन किए हैं, क्या मांगा है भगवान गणेश से और किस तरह आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने लिए समाज के लिए क्या मांगा है, आइए हम उनसे बात करते हैं। देवदत्त रेणु साहब हैं, समाज सेवक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज आप लोग आए हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का दर्शन करें, क्या मांगा है भगवान गणेश से? कहा जाता है ये मंगल मूर्ति है, सिद्धि विनायक है, बुद्धि के नायक हैं। देखिए, गणपति महाराज से हम लोग सिर्फ यही मांगते हैं कि देवघर, पूरे देवघर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, सबको सद्बुद्धि मिले और ये यहाँ सब काम मंगल हो, आदमी अपना सोच भी, उनका सोच बढ़े, सुख शांति समृद्धि बढ़े, यही मांगते हैं। और सब भाईचारा के रूप में रहे, मिलजुल के रहे, वैमनस्य नहीं हो, शांति दे, देश बढ़े, हमारा देवघर बढ़े।
मतलब ये कहना है कि तरक्की करे, देवघर के साथ साथ देश तरक्की करे, समाज को आशीर्वाद मिले, लोगों को आशीर्वाद मिले, भगवान गणेश का आशीर्वाद सीता बना रहे, कि सुख समृद्धि बना रहे, किसी प्रकार किसी को तकलीफ ना हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। आज़ाद चौक की ये खासियत है कि बहुत सालों से इस पूजा हो रही है। हम भी जब इस मोहल्ले में रहा करते थे तो हम भी छोटे से इस पूजा को देख रहे हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? विजय कुमार पांडे। ये कितने सालों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये बहुत सालों से है, ये करीब 30 साल से हम लोग जान रहे हैं, और उससे भी पहले होता है, 50 बरस से होता है, लेकिन हम लोग जब बच्चा थे तो 30 बरस से जान रहे हैं। ये विजय समाज है आजाद चौक में। विजय समाज की तरफ से जो है वर्षों से पूजा किया जा रहा है, 30-32 साल से तो मैं खुद जान रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में पला पड़ा हूँ, बड़ा हूँ, इस मोहल्ले में खेला कूदा हूँ, तो मैं खुद देख रहा हूँ 30-32 सालों से ये पूजा हो रहा है। पहले कई लोग बुजुर्ग से पूजा किया करते थे, तब युवा के हाथ में ये पूजा, और 30-32 साल से लोग पूजा कर रहे हैं। क्या मांगा है भगवान? विद्या बुद्धि यही सब। पढ़ते हैं संजय बियास हाई स्कूल के छात्र हैं, और भगवान से विद्या बुद्धि मांगे, और ऐसे भी कहा था भगवान बुद्धि के देवता है, बुद्धि उनसे ले और आगे बढ़े। आइए कुछ और लोग हैं, क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा भगवान से? भगवान शांति रहे, खुशी रहे सबको, और क्या। चलिए, भगवान शांति दे, खुशी दे हर सबको। और ये आजाद चौक पे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा की जा रही है, और यहाँ पर भगवान गणेश का यहाँ जो पूजा किया जा रहा है, उन्हें मोदक किस तरह प्यारा है भगवान गणेश को, और सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान गणेश का, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उन्हें सब खुश रखें, सुख शांति दें, इसी तरह लोग बना रहे। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, क्या मांगा भगवान से? क्या नाम हुआ? लाल बाबू नाम हुआ। लाल जी, बताइए कि आप लोग कई वर्षों से यहाँ पूजा कर रहे हैं? विजय समाज इस से कर रहे हैं, पहले हम लोग बाप चचा करते थे, बड़े भाई लोग भी करते थे, मेरे बड़े भाई हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं उनके, क्या मांगते हैं भगवान से, क्या आराधना करते हैं उनसे? हम लोग यही मनाते हैं कि शांतिपूर्वक प्रेम बना रहे, माहौल को बरकरार रहे। इस विजय समाज में कितने लोग मेंबर शामिल हैं आप लोग? बहुत, 50 लोग शामिल हैं। काफ़ी पुराना यह पूजा समिति और काफ़ी मेंबर हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं कम से कम 85 साल पुराना पूजा है। तो हमने आपको पहले बताया कि 30-32 साल से मैं भी खुद देख रहा हूँ इस पूजा को, तो देख सकते हैं किस तरह पूजा की व्यवस्था है, और ये आजाद चौक नजारा आगे भी आपको ले चलेंगे, आगे भी लोग किस तरह पूजा कर रहे हैं, तो चलते आगे। से जुड़े हुए विजय समाज से, और हर साल कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, और हर साल लंबोदर महाराज की कृपा से नया होता है, और शहरवासी का भी बहुत साथ है, और हम लोग मंगल कामना के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, और ये सुख शांति के लिए करते हैं, और भाईचारा बना रहे हम लोगों के बीच, इसलिए चलिए, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं HK साल लाइन रोड पे, और यहाँ देख सकते हैं किस तरह भगवान गणेश की पूजा की गई है, और कहा जाता है कि जो प्रतिमा लोग लाते हैं प्रत्येक वर्ष मुंबई से लाते हैं, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंबैया धमाका 5 स्टार। तो ये 5 स्टार क्लब है, मुंबैया धमाका है, और प्रत्येक साल मुंबई से प्रतिमा लाते हैं, और प्रतिमा लाने में क्या खर्च होता होगा, मुंबई से लाते हैं, बड़े सावधानी से लाना होता होगा ट्रेन से,
और कई वर्षों से ये पूजा कर रहे हैं, ये हम जानते हैं कि कई वर्षों से यहाँ पूजा कर रहे हैं और बम्बई से क्यों खास चुन के लाते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा को। और ये देख सकते हैं भगवान गणेश यहाँ विराजमान है, बहुत ही खूबसूरत है और बम्बई से आता है ये प्रतिमा, प्रत्येक साल बम्बई से लाते हैं ये प्रतिमा को बनवा करके। और बम्बई से लाना, कितने दिनों में बम्बई से आता है ये प्रतिमा और क्या कारण है कि बम्बई से ये प्रतिमा लेके आते हैं यहाँ पे देवघर में और यहाँ पूजा करते हैं प्रत्येक साल। तो आइए, यहाँ के लोग मेंबर हो गए, मुझसे बात कर रहे हैं कई साल से, कई कब से पूजा कर रहे हैं और बम्बई से प्रतिमा लाने के पीछे क्या उपदेश है, आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू केसरी है। राजू जी, बताइए कि आप लोग प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं, बम्बई से प्रतिमा लाते हैं, क्या रीजन है कि बम्बई से ही खास लाते हैं आप लोग प्रतिमा? ये तो हम लोग का 35 साल से हम लोग का यहाँ प्रतिमा विषय और ये 5 साल से हम लोग आपकी सोचे कि देवघर को कुछ नया दें, तो सबका मन हो गया मेंबर सबका कि आपकी साल कुछ नया करके ही दिखाएं। तो हम लोग 5 साल से यहाँ मुंबई से गणपति बापा को लेके आ रहे हैं। किस तरह लाते हैं, मुंबई से ट्रेन से लाते हैं या यहाँ से? तो पहले तो हम लोग गए आपकी साल, ये अकाउंट पे उसके बुकिंग कर दिए रुपये और वो अपने से बना बना के वो पैक करके बाई ट्रेन से उनको कुरियर कर देते हैं। बम्बई से लाना यहाँ पे पूजा करना, पहले बम्बई जाते थे अब बाई कुरियर था, पहले बम्बई शुरू से गए होंगे बम्बई लाने के लिए, उसमें कितनी कठिनाई? चार मेंबर, 5 मेंबर हम लोग गए थे पहले बम्बई, वहाँ से फिर पहले वो देखें कि देवघर वहाँ पर कहाँ कहाँ अच्छा प्रतिमा का रूप मिल रहा है, तो वहाँ से फिर हमारे एक अंकल रहते हैं बम्बई में, वहाँ हमको बताएं कि वहाँ पर से लीजिए पप्पू अंकल, तो वो फिर हम लोग फिर वहाँ पर गए तो उनसे फिर जो प्रतिमा बनाते हैं उनसे मिले, उनसे फिर बातचीत हुई तो फिर वो दिखाएं अपना। तो पिछले 5 साल से बम्बई से प्रतिमा ला रहे हैं और 35 साल से लगातार पूजा हो रहा है, क्या मांगा है मंगल काम मूर्ति से, सिद्धि विनायक से? मंगल मूर्ति से यही हम लोग का आग्रह विनती है, प्रार्थना है कि वो सबको मंगलमय रखे, सबको बुद्धि दे, विश्व विधाता है, बुद्धि दाता है वो, यही सबको मेरी कामना है। 35 साल से आप लोग पूजा कर रहे हैं, समाज के लिए क्या मांग? समाज के लिए मतलब कि सही सोच हो, सही विचार हो, यही गणपति बाबा से, आपसी भाईचारा बने रहे, आपसी भाईचारा बने रहे, समाज सोचा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तनुश्री है। पढ़ती है स्कूल में? हाँ। किस स्कूल में? सेंट फ्रांसिस स्कूल। सेंट फ्रांसिस। क्या मांगा है भगवान गणेश से? मांगा है छोटा भाई। छोटा भाई मांगी है, चलिए भगवान गणेश पूरी कर रहे। क्या नाम है आपका? आराध्या। किस स्कूल में पढ़ती है? सेंट फ्रांसिस स्कूल। सेंट फ्रांसिस पढ़ता। आप क्या मांगे हैं भगवान से? क्या मांगी है? चलिए अभी सोची नहीं है क्या मांगे। क्या नाम बेटा? शिवम फेटली। शिवम, क्या मांगा है भगवान से? भगवान से। किस स्कूल में पढ़ते हैं? तो एक ने अपने छोटा भाई को मांगा और देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे प्रसाद की तैयारी चल रही है, मोहन भोग की तैयारी चल रही है, कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और लोगों को प्रसाद यहाँ वितरण किया जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह पूरे शहर में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है, पंडालों में स्थापित है और लोग दर्शन करने के लिए उतावला है, क्योंकि साल में एक बार आते हैं और कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है, श्री गणेशाय नमः किया जाता है, उसके बाद सारे देवी देवताओं का पूजा स्टार्ट हो जाता है, हर शुभ काम आज के दिन के बाद से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए भगवान गणेश को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पहला पूज है वो, और इसलिए लोग पहला पूजा करते हैं। एक बार जयकारा हो जाए भगवान गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हाल है किस तरह देवघर में गणेश पूजा की धूम मची है, लोग दर्शन कर रहे हैं, आगे भी कई धार्मिक पूजा होते रहेंगे, कई पूजा होगी, हम वो भी अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहे लाइव पीसी दर्शन, धन्यवाद।